थोड़े से पल के लिए इमेजिन करो, विजुलाइज करो, नंबर नहीं होते। हाय हेलो नमस्कार, शुरू करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड का लेक्चर, नंबर तो है ही नहीं, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सो नंबर नहीं होता तो कितनी परेशानी आ जाती, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, मेजरमेंट ही पॉसिबल नहीं है तो आप फिजिकल वैल्यू को न्यूमरिक वैल्यू में डिफाइन नहीं कर पाते। आज साइंस जिस पे खड़ा है वो क्या है? नंबर। हर एक फिजिकल पैरामीटर को, हर एक फिजिकल इंसिडेंट को न्यूमरिक वैल्यू में डिफाइन कर दिया गया है। यस और नो? आपको वेट को डिफाइन किया तो किलो से डिफाइन कर दिया, आपके साथ नंबर है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो। लेंथ को डिफाइन कर दिया, टाइम को डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया, लेकिन डिफाइन किया किस में? नंबर्स में। मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट 6 इंच, 6 फीट 3 इंच, तो आपकी लेंथ की जो यूनिट है फिट, उसमें नंबर इंट्रोड्यूस कर दे रहे। आपकी हाइट को डिफाइन करने के लिए आपने नंबर का यूज कर लिया। सोचो ये नंबर नहीं होता तो आप क्या बताते? मेरी हाइट कितनी है? इतनी है। आप शक्कर लेने जाते दुकान पे तो क्या बोलते? इतनी शक्कर दे दो। फल लेने जाते, इतने फल दे दो। हाँ, घर बनवाते तो उसके पास, बंदे के पास सपोज आपको यू नो ईंट चाहिए, ईंट लेने के लिए, ब्रिक्स लेने के लिए आप गए तो एक पर्टिकुलर साइज की बात ना करके आप बोलते कि ये चलिए घर देख लीजिए, वो वाली ईंट चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, मेजरमेंट नहीं होता तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती, नंबर सिस्टम नहीं होता तो सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो जाती। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए नंबर आपने यू नो इंट्रोड्यूस किए। नंबर यदि आपके पास है तो किसी भी फिजिकल चीज को आप न्यूमरिक वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपके पास आप खुद हैं, आप आपकी हाइट को डिफाइन कर सकते हैं, आप आपके वेट को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। देर आर सो मेनी थिंग्स जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करने के लिए नंबर आया, है ना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, लेकिन उससे पहले जो बच्चे पहली बार जी सेंट्रिक से जुड़ रहे हैं, एप्टीट्यूड के लिए जुड़ रहे हैं, गेट ESCSSCJEE टेक्निकल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए एप्टीट्यूड सीरीज है, कंप्लीट एप्टीट्यूड सीरीज आप लोगों के लिए है। बड़े मजे के साथ हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि यू नो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या है, टू द पॉइंट चलना पड़ता है, लेकिन एप्टीट्यूड देर इज द नो बाउंडेशन, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, ना, है ना। तो चलिए एक अलग ही तरीके से इसको हम शुरू करेंगे। खैर फिलहाल मैं नंबर सिस्टम में आता हूँ। सर नंबर, आपने एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी एंटिटी ले ली जो किसी भी फिजिकल पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए यूज हो रही है। यस, तो चलिए तो फिर नंबर में हम क्या देखते हैं? हम देखो अननेसेसरी जबरदस्ती की यू नो थियरी नहीं लिखने वाले। थियरी इन द सेंस क्या, जो अननेसेसरी मैं आपको लिखवा रहा हूं, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से देख लेंगे उस चीज को। कितने मार्कर है मेरे हाथ में? एक मार्कर, और दो हो तो आप बोलोगे दो मार्कर। ये मार्कर है ना, ये एक फिजिकल चीज है ना, आपको दिखाई दे रही है ना, जो चीज दिखाई दे रही है उसे हमने नंबर में जो डिफाइन किया, तो इन नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब जो फिजिकल आपके पास कुछ यू नो फिजिकल चीज जो मौजूद है उसे डिफाइन करने के लिए जो नंबर आपने यूज किए उन्हें ही क्या बोलते हैं? नंबर्स। कौन से? नेचुरल नंबर्स। अब मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं? कितने मार्कर है इसमें? -1, इसमें -1, क्योंकि इसमें पहले 1 था तो अब -1 है। अब जो कुछ है ही नहीं उसे नहीं डिफाइन कर सकता मैं, बट मैथमेटिकली जो चीज थी और अब नहीं है तो उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। बट नेचुरल नंबर की अवधारणा क्या हो गई?
नेचुरल नंबर वो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास मौजूद है और उसे डिफाइन करने के लिए जो आप नंबर यूज करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर बाय डिफॉल्ट फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट हो गए कि नहीं? क्या 0 नेचुरल नंबर है? मार्कर है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, क्या उसे डिफाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर। क्या नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर है? नो, नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मौजूद है। सो 1 to infinite नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए। चलिए सर, नेचुरल नंबर तो मान लिया, बट हमने तो नंबर्स देखे, हमने 0 भी इंट्रोड्यूस किया, हमने माइनस नंबर भी इंट्रोड्यूस किया, तो मैथमेटिक्स में जो चीज थी और गायब हो गई उसे माइनस से डिफाइन कर देते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो नंबर को यदि ओवरऑल आपने देखा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखा था ना, a+jb वाला, वहां पे एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, रियल नंबर जो एग्जिस्ट करता है। तो रियल नंबर में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। खैर, आप एक टेबल तैयार कीजिए, एक आप तैयार कीजिए, इसकी हेडिंग रहेगी रियल नंबर। ठीक है, एक ट्री हम तैयार करने जा रहे हैं, आपके पास रियल नंबर की बात हो रही। तो रियल नंबर जो है माय डियर फ्रेंड्स, आप रियल नंबर को अब माइनस इनफाइनाइट से इधर के सारे नंबर -1, दिस इज 0, दिस इज 1 अप टू इनफाइनाइट सारे ले लीजिए, इन्हें मैं रियल नंबर बोलता, इन्हें मैं क्या बोलता? रियल नंबर, रियल नंबर बोलता। नेगेटिव को भी नंबर मान लिया और पॉजिटिव को भी नंबर मान लिया। पॉजिटिव तो ऑलरेडी नंबर है जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एक डस्टर है मेरे पास, एक वन, वन इज द नेचुरल नंबर, है ना। तो रियल नंबर जो है आपके पास दो हिस्सों में तोड़ दिए गए हैं। रियल नंबर्स टू टाइप से होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक आपके पास, चलिए एक मार्कर है, वन मार्कर है। क्या ये डेड मार्कर हो सकता है? क्या इसको तोड़ के इसको आधा कर दू, दूसरा मार्कर लाऊ, मैं 1.5 मार्कर बोलूंगा? नहीं, ये अपनी कंप्लीट एंटिटी में नहीं रह पाएगा ना फिर। तो मेरे पास रियल नंबर की यदि बात करता हूं तो वो होता है इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स। क्या? डेसिमल्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट फॉर्म में है, कंप्लीट फॉर्म में है, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। रियल नंबर को सबसे पहली बार हमने बोला इंटीजर्स, दूसरा पॉइंट रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए हमने बोला डेसिमल्स। बात समझ में आ रही है आपको? डेसिमल्स, बस यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। सर इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल नंबर जो है वो इंटीजर नंबर है। सर डेसिमल क्या है? एक क्लास में 10 बच्चे, आपके पास 20 चॉकलेट, सभी को आपको बांटना है, हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सर 2-2 चॉकलेट मिलेगी, इंटीजर फॉर्म है, हर एक चॉकलेट अपने कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल है, इंटीजर है। like, नंबर हो गए आपके पास, क्या नंबर हो गए? 1, 2, 3, ये क्या हो गए? ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है, लेकिन डेसिमल इज नॉट लाइक दिस। डेसिमल क्या? इट्स लाइक 4.25। ठीक है, एक क्लास में आपके पास अगेन 10 बच्चे, लेकिन अब आपके पास चॉकलेट है कितनी? 15। तो कितनी कितनी आएगी, कितनी कितनी चॉकलेट आएगी? समझ गए कहानी को? अब डेसिमल इंट्रोड्यूस हो गया, तो डेसिमल आपके इंटीजर्स का, इंटीजर्स है, कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन किसी भी नंबर को कंप्लीट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में लाना, इसका मतलब समझ ही गए जो एग्जांपल मैंने आपको दिया उससे। ठीक है, तो इंटीजर्स की यदि बात करूं तो इंटीजर्स में आपके पास सबसे पहले 0 है, 0 के इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। इधर क्या है बच्चे? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स -1, -2। ठीक है, तो इंटीजर्स सारा 1, 2, 3, 4 ये सब इंटीजर्स है, -1, -2 सब इंटीजर्स है, 0 खुद एक इंटीजर हो गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? नेचुरल नंबर की मैं बात किया था, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, दिस आर नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स, यही हमने स्टार्टिंग में देखा था ना,
दिस आर नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स जो फिजिकली एग्जिस्ट हैं, 1, 2, 3। इनफाइनाइट एग्जिस्ट है क्या? नहीं। जीरो एग्जिस्ट है क्या? नहीं। सो नेचुरल नंबर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 1, 2, up to infinite, मतलब वेरी लार्ज, ध्यान रखिएगा, है ना। और वट अबाउट दिस? दिस आर नथिंग बट द नेगेटिव नंबर्स। ये क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो को इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि जीरो जब आया तो कहानी बदल गई ना, जीरो जब आया तो कहानी बदल गई। सो जीरो और नेचुरल नंबर दोनों को यदि ले लो तो दिस इज नथिंग बट द होल नंबर। बस अब इनसे सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, इनसे सब कुछ डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? सो रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो मैथमेटिक्स में आप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला एक मार्कर है, अब ये मार्कर अपनी जगह से चला गया तो -1 मार्कर है। बात समझ में आ गई? चलिए तो फिर डेसिमल्स की बात करते हैं। तो डेसिमल में आपको ऐसे डेसिमल मिलते हैं जो टर्मिनेटिंग नेचर के रहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? सपोज आपके पास हो 4 by 5, तो ये क्या है डेसिमल के फॉर्म में? 0.8। 8 के बाद कुछ आएगा क्या? नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। सपोज आपके पास हो 1 by 3 आपके पास हो, तो इसको क्या लिखोगे? 0.3333 चलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सपोज आपके पास हो पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14273926 -- तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट करते हो, जो रिपीटेडली डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करते अगेन एंड अगेन, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप, मतलब टर्मिनेट हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं बच्चा? ये बस यहां से आपका वैल्यू आया, किसका? रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट आया। जो डेसिमल जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन किया जा सके, जैसे कि 0.8 को आपने 4 by 5 लिखा ना p by q के, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? रेशनल नंबर, ठीक है। जो डेसिमल p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे उसे हम बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर। उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन जो डेसिमल आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप √3 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, कुछ भी ले लो आप, इसे आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जिसे p by q के फॉर्म में आप नहीं लिख पाएंगे बच्चे, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आती इतनी बात? क्लियर हुआ ये? सर रियल नंबर तो समझ में आया, सर इंटीजर क्या होता है समझ में आया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर वी कॉल द नेचुरल नंबर। जीरो को इंक्लूड कर लिया होल नंबर, बाकी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है उसे नेगेटिव इंटीजर्स भी आप बोल सकते हो। सर डेसिमल के फॉर्म में जो नंबर है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा? रेशनल को डिफाइन करने के लिए पी बाई क्यू का फॉर्म चाहिए। रेशनल को डिफाइन करने के लिए कोई सा भी डेसिमल नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। बात समझ में आई आपको? इतना क्लियर है क्या? अब ये लल्लू चीज में मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ठीक है, जवाब दीजिए। जवाब क्या देंगे आप? क्वेश्चन क्या करूं मैं आपसे? क्वेश्चन आपसे ये करूंगा मैं कि बताइए, 1 नेचुरल नंबर है क्या ये? आप बोलेंगे यस। बताइए 13 नेचुरल नंबर है क्या? आप बोलेंगे यस। बताइए -3 नेचुरल नंबर है क्या? आप बोलेंगे नहीं। बताइए 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। हम पूछते हैं आपसे 5.35 नेचुरल नंबर है क्या? सोचिए ये नेचुरल नंबर है क्या?
नेचुरल नंबर वो जो फिजिकली किसी चीज को डिफाइन कर दे। वन मार्कर, डेड मार्कर नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है ना। इसको तोड़ू क्या मैं आधा, उसके बाद बोलू डेड मार्कर? इसको तोड़ दूंगा तो ये मार्कर नहीं रहेगा ना। सो डेसिमल जो भी है ना, डेसिमल के फॉर्म में नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जो है वही नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान रखेंगे इतनी बात, क्लियर हो गई इतनी बात है ना। तो डेसिमल के फॉर्म में यदि है तो नेचुरल नंबर नहीं है। डेसिमल कहाँ से आया, क्या सीन था, तो समझ गए ना आप। चलिए तो फिर इतना बात समझ में आ गया। अब यहां से हम उड़ते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एसएससी जेई की बात करूं, अदर टेक्निकल एग्जामिनेशन की बात करूं, बहुत ही क्रूशियल है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मजा आएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी होगी। बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। अभी चूंकि स्टार्टिंग पार्ट है ना, तो देखते जाइए धीरे धीरे होता है क्या। यहां से शुरू करता हूं मैं, नेचुरल नंबर को अपने हाथ में लेके कहानी को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। नाउ फोकस ऑन द नेचुरल नंबर। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको लिखवाऊं व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, व्हाट इज द इरेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर, एवरीथिंग। बच्चे थोड़ी ना आप रहे ना, आपको लिखाने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं है। जो आपने पढ़ा वहां से चुराएंगे क्या? नेचुरल नंबर्स को चुराएंगे। सो नेचुरल नंबर जो है, this I'm thinking about the natural numbers I'm talking about. So, natural numbers, my dear friends, कौन हो गए? Sir, 1, 2, up to infinite, सारे natural number हो गए क्या? Yes. क्या 0 natural number है? नहीं है। क्या -2, -3 natural number है क्या? नहीं है। याद रखेंगे चीजें, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर की बात, कहानी समझ में आ गई। क्या 5.36 नेचुरल नंबर है? नहीं है, ठीक। तो नेचुरल नंबर, अब आपके दिमाग में आइडिया तो हो गया कि फ्रॉम 1 to infinite जो है, दैट इज नथिंग बट, दिस नंबर्स आर नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स। अब इसको फोकस कीजिए बड़े ध्यान से, ठीक है। आपका क्वेश्चन बनेगा यहां से, लाइक दिस अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है ना माई डियर फ्रेंड्स, उन्हें हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो नेचुरल नंबर्स है ना, उसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे 3 बोलना चाहिए, 3 तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। 3 तरीके से जो भी नेचुरल नंबर है माई डियर फ्रेंड्स, उन्हें 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है नेचुरल नंबर को डिफाइन करने का। नंबर एक यूनिटी, मतलब कि आपका दिस, जिसका कोई नहीं उसका 1 है प्यारो, है ना। तो नेचुरल नंबर में सबसे एक प्रजाति तो हो गई यूनिटी की, मतलब नंबर 1 की। दूसरी प्रजाति हो गई, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ढेर सारे एग्जामिनेशन में, प्राइम नंबर की। किसकी? प्राइम नंबर की। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या एंट्री हो गई आपकी? 2 एंट्री और हो गई, प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की, और थर्ड कैटेगरी यूनिटी। तो आपके पास कोई सा भी नेचुरल नंबर दिया होगा तो या तो वो यूनिटी होगा, या वो एक प्राइम नंबर होगा, या कंपोजिट नंबर होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्राइम नंबर वेरी क्रूशियल एरिया है ये क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन में, बड़ा मजा आएगा, चर्चा करेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यूनिटी। तो सर आगे बताइए, सर यूनिटी तो समझ में आ रहा है कि यूनिटी क्या है, सर व्हाट इज द प्राइम नंबर, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, सर इसके बारे में बताइए, है ना। तो चलिए फिर प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो फ्रॉम 1 to infinite एक सीरीज ले लिया मैं आपको बताने के लिए, थोड़ा और नंबर एड कर लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लो सब।
बताइए कौन प्राइम नंबर है, कौन कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन में नहीं लिखवाने वाला, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें या तो वो खुद डिवाइड कर दें या वन एंड ओनली वन वन डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या नंबर वन से डिवाइड होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो खुद से भी डिवाइड होते हैं, कोई दूसरा भी उन्हें डिवाइड कर देता है और वन भी डिवाइड करता है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप हो गए, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ या तो मम्मी की सुनेंगे या खुद की सुनेंगे प्राइम नंबर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद की भी सुनते हैं, दोस्तों की भी सुनते हैं, मम्मी पापा की भी सुनते, सब की सुनते हैं, वो कंपोजिट हो गए साहब, कंपोजिट। बात समझ में आ गई? तो जो बंदा खुद की सुनता या फिर उसकी मॉम की सुनता प्राइम नंबर कहलाता, जो सबकी सुनता वो कंपोजिट कहलाता। यहाँ आ जाइए मैथमेटिक्स में, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो, कोई उनको दूसरा बंदा डिवाइड नहीं कर सके सिर्फ और सिर्फ वन को छोड़ के, तो मुझे आप बताइए क्या नंबर टू प्राइम नंबर है? टू को कौन डिवाइड कर सकता है? सर टू इटसेल्फ वन डिवाइड कर सकता है, तो वन से आप चेक नहीं करेंगे, वन तो सभी को डिवाइड करता है, यूनिवर्सल है भाई, वन सभी को डिवाइड करेगा। लेकिन अब उसकी खुद से इटसेल्फ से डिविजिबिलिटी देखेंगे, दो नंबर क्या इसे दो डिवाइड करता है? यस, दो के अलावा कोई ऐसा नंबर जो इसे डिवाइड नहीं है? सर व्हाट अबाउट थ्री? थ्री को थ्री डिवाइड करता है, कोई ऐसा नंबर जो थ्री को डिवाइड कर सके थ्री के अलावा? नहीं। तो थ्री इज प्राइम नंबर। फोर की बात बताइए, फोर को फोर डिवाइड कर सकता है? तो लेकिन फोर को तो टू भी डिवाइड कर सकता है। तो भाई साहब इधर डाल दो इनको, सर फोर कंपोजिट नंबर है सर। फोर के बाद आया फाइव, फाइव प्राइम नंबर है क्या? फाइव को कौन डिवाइड कर रहा? सर फाइव को फाइव डिवाइड कर रहा, और कोई है क्या वन को छोड़ के? नहीं सर, फाइव प्राइम नंबर। उसके बाद आया क्या सिक्स, सिक्स को सिक्स डिवाइड कर पाएगा क्या? यस, सिक्स को तो टू भी डिवाइड कर रहा है, थ्री भी डिवाइड कर रहा है, तो जो सबकी सुनता वो कौन? कंपोजिट नंबर। वो कौन? कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। सात, सात को सात डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई और नहीं करता, प्राइम नंबर। उसके बाद एट आया, एट को एट डिवाइड करता है? यस, एट को तो टू भी डिवाइड करता है, फोर भी डिवाइड करता है, तो एट तो कंपोजिट हो गया, सबकी सुनता है। तो व्हाट अबाउट नाइन? सर नाइन जो है वो नाइन से डिवाइड होगा क्या? यस, लेकिन ये तो थ्री से भी डिवाइड होता है, तो ये तो क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये सारी कहानी बेसिक बेसिक आप सभी को पता है अच्छे से। ठीक है, सो दिस आर नथिंग बट द प्राइम नंबर। नाउ प्राइम नंबर में बड़ा ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर जैसे ही आप थ्री, सेवन, सेवन के बाद यहाँ पे इलेवन आ जाएगा, उसके बाद थर्टीन आ जाएगा, सेवनटीन आ जाएगा, लाइक दिस। तो प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे नंबर ओड हैं, सिर्फ पहले प्राइम नंबर को छोड़ के जो कि टू है, ये एकमात्र इकलौता इवन प्राइम नंबर है। दिस इज नथिंग बट द इवन नंबर। बाकी ये सारे क्या है? ओड नंबर। अब इवन और ओड नंबर क्या होते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। सो टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन एकमात्र इवन नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है जो कि टू है, और ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लीस्ट प्राइम नंबर इज नथिंग बट टू। आपसे कोई पूछे लीस्ट इवन प्राइम नंबर, ध्यान से सुनिए, लीस्ट इवन प्राइम नंबर टू, लीस्ट ओड प्राइम नंबर थ्री, ओनली इवन प्राइम नंबर टू। समझ में आता? कहानी क्लियर है? लिखवाने की जरूरत है क्या? सर क्वेश्चन कहां से बनेगा? सर क्वेश्चन प्राइम नंबर से बनेगा, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक से सौ के बीच में कितने प्राइम नंबर है, सौ से दो सौ के बीच में कितने प्राइम नंबर है, दो सौ से तीन सौ के बीच में कितने प्राइम नंबर है। एक बड़ा सा नंबर दे दिया आपके पास, वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट थ्री,
ये प्राइम नंबर है क्या, चेक करेंगे। ओरे बाप रे, कैसे चेक करेंगे? 1 से 100 तक सर सुन लिया, 100 से 200 तक सुन लिया, सर ये नंबर है तो ये प्राइम नंबर है सर, कैसे पता लगाएंगे? नहीं 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 समझ में आएगा। गेट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, एक नंबर दे दिया आपको, आपको एक नंबर दे दिया और पूछा दिस इज द प्राइम नंबर, और आपको ऑप्शन दे दिया ट्रू, नहीं नहीं सॉरी, आपसे क्या क्या किया उसने, आप वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, एक एक ऑप्शन दिया आपके पास, एक क्वेश्चन दिया, फोर ऑप्शन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, ऐसे चार बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए, क्या करोगे? 5 मिनट खत्म, 10 मिनट खत्म, यार कैसे चेक करोगे उसको, उसकी डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करोगे? 2 से करोगे डिविजिबिलिटी, 3 से करोगे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, तो क्या ऐसा करते करते 5-10 मिनट खत्म कर दोगे क्या? अरे सर कुछ तो होगा आपके पास, सब है अपने पास, अपन करेंगे अच्छे से। प्राइम नंबर को कैसे चेक करते? हाँ कंपोजिट नंबर की बात समझ में आएगी, कंपोजिट नंबर को तो कोई पूछेगा नहीं, प्राइम नंबर से समझ में आ गई ना कहानी। कंपोजिट नंबर क्या? जो बेचारे खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें कोई दूसरा भी डिवाइड कर देता है और 1 भी डिवाइड करता है, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर के लिए कुछ चीजें थी तो वो मैंने आपको बताई, क्लियर है इतनी बात? समझ में आता है इतनी बात आपको? ठीक है, तो प्राइम नंबर से क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे नंबर को कैसे चेक करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आपके लिए एप्टीट्यूड में यदि आपको एकदम क्विक बनना है ना, एप्टीट्यूड में अभी तो क्या है, शुरुआत है ना, आज तो फीलिंग जनरेट नहीं होगी ना, लेकिन डे बाय डे फील करेंगे ना, तो फीलिंग के लिए एक वर्क आपको दे रहा हूं, वेरी क्रूशियल वर्क है, ध्यान रखिएगा, यदि आपने उसको याद कर लिया बहुत काम आएगा लाइफ में। और होमवर्क क्या हो गया आपका? आपका होमवर्क हो गया कि चलिए मैं थोड़ा सा पूछता हूं आपसे, मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, तुरंत दिमाग में देखते हैं किसके सबसे जल्दी आता है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, तैयार रहिए, सुनिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? इमीडिएट आपके दिमाग ने रिस्पॉन्ड किया सर 4 होता है। इमीडिएट क्यों किया सर? ओवर द टाइम फिक्स है सर दिमाग में। 9 का स्क्वायर सर 81 है सर, फिक्स है सर। 10 का स्क्वायर 100 सर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। इमीडिएट, इवन जैसे ही मैं बोला 7 आपके दिमाग में आ गया 49, जैसे ही मैं बोला 2 आपके दिमाग में आ गया 4, जैसे ही बोला 3 आपके दिमाग में आ गया 9। यस यस और नो? अब आप सोचिए आपकी लाइफ में कितनी बार ये स्क्वायर्स एनकाउंटर हुए हैं 1 से 10 के बीच में। बहुत टाइम के लिए सर यूज होते हैं सर, कहीं ना कहीं स्क्वायर होता है। तो अब आपको सिर्फ 1 से 10 तक नहीं, अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं 17 स्क्वायर आपका दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं किया। 20 स्क्वायर 400 सर तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया, किया ना? तो आपका टास्क ये है एप्टीट्यूड को आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि एग्जीक्यूशन मांगता ना, तो 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, ये रही टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करिए, 1 से 30 तक क्यूब याद करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेरी क्रूशियल है, लाइटली नहीं लेना एप्टीट्यूड को, एकदम मक्खन करना है ना, याद कीजिए आने वाले टाइम में इनका। आपको जो याद करेगा मेरे साथ चलेगा ना, उसको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों याद करवाया था। सो 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 30 तक क्यों भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत इसी से करेंगे। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगा आप याद करेंगे, उसके बाद जब मैं आपसे पूछूं 26 स्क्वायर क्या होता है, इमीडिएटली आपके दिमाग में स्विच करना चाहिए। 27 क्यूब क्या होता है, इमीडिएट आपके दिमाग में स्विच होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्क्वायर और क्यूब फ्रॉम 1 to 30 तक रिमेंबर करने के साथ। ठीक है, सो 1 से 30 तक की कहानी आपकी बनेगी। सो 1 का आपको स्क्वायर बताना है 1, 1 का आपको क्यूब बताना है 1, 30 का स्क्वायर बताना है 900, इसका क्यूब बताना है 27000। बात समझ में आ गई बच्चे? याद रहेगा, पूरा टेबल मुझे चाहिए।
चलिए मिलते हैं।